इसका बता निकाल जैसे कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। और ये है इसका चार्जिंग जिससे हम इसको लगा सकते हैं। तो ये है रिंग लाइट की चीजें। फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो भी रिकॉर्डिंग देखी वो ट्यूबलाइट की लाइट पे देखी, और अब जो रिकॉर्डिंग है वो ट्यूबलाइट भी पीछे से है और इस यहाँ पे रिंग लाइट पे रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने यहाँ पे इस समय पे अपनी बैटरी फिक्स की हुई है जो कि रिचार्जेबल है, और ये सब इन्हीं कंपोनेंट्स और इन्हीं डिवाइसेस के काम आती हैं लाइट्स को बैकअप देने के। तो अगर आप बाहर हैं जहाँ पे आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ पे आप इस तरीके के चार्जर्स का यूज कर सकते हैं। तो मेन बात देखने की दोस्तों ये है कि अब जो है किस तरह की रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ इसके फंक्शंस। जो आप लाइट देख रहे हैं वो है मेरी ट्यूबलाइट की लाइट, तो मैं भी अब देखूंगा जब ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो मैं भी देखूंगा कि कितना चेंज आया। अब मैं रिंग लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ और काफ़ी लो पे है, काफ़ी अब ये बढ़ रही है इंटेंसिटी। ओके, इट सीम्स कि मेरी जो बैटरी है वो ड्रेन हो गई है और इसीलिए ये एकदम से बंद हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने इन बैटरी को चार्ज नहीं किया हुआ था, लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने बैटरी को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया था। तो मैं बैटरी हटाता हूँ और दोबारा से वायर कनेक्ट करता हूँ और फिर देखते हैं इसकी पूरी परफॉर्मेंस। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी की लीड कनेक्ट कर दी और अब देखते हैं कि इसकी जो पहला फंक्शन है बटन का उसमें लिखा हुआ डिम, उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। इस समय पर जो लाइट है वो मेरी ट्यूबलाइट की आपको लाइट दिख रही है, और अब हम रिंग लाइट की लाइट पर आते हैं। तो इस समय पर रिंग लाइट की लाइट पर मैं आ चुका हूँ, सबसे इस समय पर लोएस्ट इंटेंसिटी है। अब लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे करके मैं बढ़ा रहा हूँ, और ये है इसकी सबसे ब्राइटेस्ट लाइट जिसकी शायद ही हमको आवश्यकता हो। इसको मैं 50% पे कर देता हूँ, या जब तक मुझे लगता है कि सही है। ओके, अब जो इसकी एक और जो नॉब है जिसमें लिखा हुआ है 3200K to 5800K, तो ये बेसिकली क्या है कि कलर की रेंज होती है। तो हम कलर की रेंज अब चेंज करते हैं, तो इस समय पे जो कलर की रेंज है सबसे लोएस्ट पे है, और अब हम कलर की रेंज को बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि ये वाइट लाइट है इस समय पे, और धीरे धीरे करके ये देखिए ब्लू हो रही है। वाओ, दिस इज द ब्लू लाइट। तो ऐसे यहाँ पे आपके पास दो नॉब है, एक से आपकी लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल होती है और दूसरे से आप जो है 3200K से लेके
5800 के तक जा सकते हैं. दैट मीन्स कि आप कलर की भी इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, कलर में वेरिएशन दे सकते हैं. ओके एनीवेज आप लोगों को मेरा जो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि इस लाइट से जो है मेरी कैमरे की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि लाइट ही सबसे मेन चीज़ होती है. अगर आपके पास लाइट है तो आपकी जो फ़ोन है वो भी काफ़ी अच्छी आपकी प्रोडक्टिविटी दे देता है, कैमरे का आउटपुट दे देता है. DSLR की तरह ही अगर आपको आउटपुट चाहिए तो दोस्तों तो इस रिंग लाइट को आपको ले लेना चाहिए. बहुत ही मैंने कोई सस्ती रिंग लाइट नहीं ली, मैंने ये 3600 की रिंग लाइट ली है. थोड़ा इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली मैंने इसमें किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स वर्थ इट. एक रिंग लाइट होने से कम जो है ब्राइटनेस अच्छी आती है, कोई मुझे कलर का या फिर कोई मुझे लाइटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नहीं तो लोग काफ़ी लाइट्स लगाते हैं अपने कमरे में, यहाँ पे लाइट्स, वहाँ पे लाइट्स, पीछे लाइट्स, सब जगह पे लाइट्स लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रिंग लाइट इज़ मोर देन इनफ. तो अगर आप इस रिंग लाइट को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिलती रहे. तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.